खबर रतलाम जिले के सैलाना से है, जहां नगर के फिल्टर प्लांट के एक सिलेंडर से क्लोरीन गैस का रिसाव बुधवार से शुरू हो रहा है। वहीं गैस रिसाव से लोगों की आंखों में जलन होने लगी है, जिससे हड़कंप की स्थिति मच गई। हालांकि गैस रिसने से पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया और गुरुवार को दो बार टेक्निकल लोगों को बुलवाकर जहरीली गैस के रिसाव को रोकने की नाकाम कोशिशें हुई। वहीं शुक्रवार सुबह मुख्य नगर परिषद अधिकारी जेपी गुहा ने नगर परिषद के अमले के साथ फिल्टर प्लांट पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बता दें, क्लोरीन गैस ने परिसर और आसपास की हरियाली को भी नष्ट कर दिया है और तो और फिल्टर प्लांट बाउंड्री के समीप खेती करने वाले किसानों के खेत की फसल को भी इस क्लोरीन गैस ने नुकसान पहुंचाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है, अभी फिलहाल जो है वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि फसलों को भी नुकसान पहुंचा है? जी, जैसे कि आपको बता दिया जाए, बुधवार से रिसाव हो रहा है और इससे काफी फसलों को और वातावरण में भी जो रिसाव के कारण नुकसान पहुंचा है। दो बार ग्रेसिम और इपका के टेक्नीशियन भी उसको रिसाव को रोकने की कोशिश कर चुके थे, जो बड़ी मुश्किल से वो कल शाम को जाकर के वो रिसाव पे कंट्रोल किया जा सका है। जी, और जो को हाँ जी कुलदीप बोलिए। अभी तक उससे क्या क्या नुकसान हुआ है, जो दिखने में नुकसान आ रहा है, जैसे फसल को नुकसान हुआ है, उसके अलावा जो वहाँ की जमीन में क्या है, ये चीजें दिख रही, लेकिन वो किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं वो क्लोरीन का रिसाव, उनको अभी तक क्या इफेक्ट आते हैं, ये भी आने वाले दिनों में हो सकता है ये भी देखने को मिले। जी कुलदीप, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने कहा कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो है लोगों को कुछ एहतियात के लिए कदम बताए गए, जो लोग उन वहां पर संपर्क में आए हैं और साथ ही जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन कुछ के कितने का नुकसान किसानों की फसलों को हुआ? नहीं, अभी तक ये आकलन तो नहीं लगाया गया, लेकिन आसपास के जो रहवासी थे वहाँ से उनको खाली करा दिया गया है, वहाँ से उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। जी। तो अब वापस उनको कब तक लाया जाएगा ये भी कुछ नहीं, लेकिन एहतियातन तौर पर उनको वहाँ से हटाया गया है, वहाँ के आसपास जो भी लोग रहते थे। जी, और किसानों की जो फसलों का नुकसान हो उसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना रहा है, किसी तरह की मांग किसान कर रहे हैं? नहीं, वैसे रतलाम कलेक्टर के संज्ञान में ये मामला आ गया है, तो वो है जो भी जांच है वो कलेक्टर जो रतलाम जिले के हैं वो इस मामले को देख रहे हैं और जो भी एहतियात कदम होगा वो उसको उठाएंगे। जी शुक्रिया कुलदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, फिलहाल तो क्लोरीन गैस का रिसाव रुक गया है, लेकिन जो किसान संपर्क में आए हैं, जो रहवासी संपर्क में आए हैं, उनकी जरूर जांच जो है आने वाले दिनों में हो सकता है कि की जाए।